शिमारू टीवी बदलते आज के लिए। दे सकती हूँ किंतु नहीं, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने मारने चाहती हूँ। जानता हूँ तुम कौन हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दे सकता हूँ, किंतु मुझे अपनी मौसी तारा को भी बचाना है। अरे माता आ गई, छोड़ देता हूँ मैं हाथ। अरे तारा, क्या बातें हो रही है अपने बेटे के साथ? कुछ नहीं, बस रास्ते में आते हुए थकान सी हो गई थी, इसीलिए चक्कर से आ रहे हैं। लंबी यात्रा करके आई हो ना, थक गई होगी। लो, अपने बेटे को अपनी गोद में ले लो, सारी थकान दूर हो जाएगी। नहीं वो हम स्नान करेंगे तो थकान दूर हो जाएगी, और फिर मारुति के लिए इतने सारे उपहार लेकर आई हूँ, यदि नहीं दिए तो मारुति अपनी मौसी से रूठ जाएगा। देखिए सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, किंतु यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो मैं बाली भैया की ओर से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे मित्र हैं, आपका अपमान हम होने नहीं देंगे। जो हुआ उसे भूलकर एक नया आरंभ करेंगे, हमारी मित्रता फिर पहले जैसी प्रगाढ़ हो जाएगी। सुग्रीव, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, सत्य असत्य के भेद को भी भली भांति भांप लेते हैं, किंतु बाली अभी कुछ भ्रमित है। रावण के साथ उसका बढ़ता हुआ साथ हम सभी वानरों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप तो जानते हैं सुग्रीव, ये असुर कभी हम वानरों के मित्र नहीं हो सकते। और रावण, रावण तो आज तक कभी किसी का मित्र हुआ ही नहीं। आपसे हमें बहुत आशाएं हैं सुग्रीव, हम सभी वानरों में एकजुटता रहे, हम सब मिलकर रहे, तभी हम इन असुरों का सामना कर पाएंगे। सुग्रीव,
आपको इस विषय में बाली से बात करनी चाहिए। उसके बाद हम सभी मिलकर एक सभा करेंगे जिससे कि बाली का भ्रम दूर हो सके। आप सब तनिक भी चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मैं आप सबको वचन देता हूं कि आज के बाद बाली भैया और रावण की मित्रता समाप्त हो जाएगी। उस दुष्ट ने तो मेरी उंगली उखाड़ी डाली थी। वो तो भला हो संजना का कि वो वहां आ गई और उसे मेरी उंगली छोड़नी पड़ी, किंतु इतने से बालक में इतनी शक्ति। तभी लंकेश को भय लग रहा है उस बालक से। मन तो कर रहा था अपने इन नाखूनों से उस बालक को नोच नोच कर मार डालूं, लेकिन नहीं, उसका अंत तो कल। इस विष से हो गया। मारुति के अन्नप्राशन में सारा परिवार, सारे मित्र आए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ स्वामी, हमारी प्रिय सखी तारा भी आ गई। उसके आने से सभी बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, अब हमारी और बाली की दूरियां भी मिट जाएंगी। भोजन करने नहीं आए, क्या बात है? तारा, तुम्हारी आंखों में आंसू, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, महाराज बाली के बारे में सोचकर मन दुखी हो गया। यदि वो यहां आए होते तो कितना अच्छा होता। चाहते तो हम भी ऐसा ही थे, किंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने सुग्रीव जी से बात कर ली है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो तारा, पहले भोजन करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आओ। अरे अरे अरे, ये क्या है? ये किष्किंधा का मधु है। अंजना ने हमसे कहा था कि जब उसको बच्चा होगा तो उसका अन्नप्राशन
हमारे राज्य के मधु और उसके राज्य की खीर से होगा, इसीलिए हम लेकर आए हैं, है ना अंजना? हाँ, मैंने ही कहा था। अच्छा, वैसे भी किष्किंधा का मधु बहुत अच्छा होता है। चलो हम खुद चक्कर देखते हैं। शुद्ध और पवित्र है। पहले अन्नपराशन की पूजा होगी, तब इसे खीर में मिलाया जाएगा और फिर सबसे पहले हमारा प्रिय मारुति खाएगा, फिर अन्य लोग। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख देता हूं। अच्छा, मुझे अभी और व्यवस्थाएं देखनी है, मैं चलता हूं। चलो भोजन करते हैं। हाँ। जिस तारा को समझकर मुझे खाना खिला रही हो, उस बिचारी का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। और ये तारा तुम्हारे पुत्र का क्या हाल करेगी, वो तुम्हें कल पता चलेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम् सिद्धामि देहि च पार्वती आयुर्बलम् यशोवर्च प्रजापशून वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॐ हन्त। महाराज केसरी, अन्नप्राशन की पूजा विधि संपन्न हुई, अब आप इस खीर से मारुति का अन्नप्राशन कीजिए। तारा, तुम जो मधु लाई हो उसे खीर में मिला दो। हाँ हाँ, अभी मिलाती हूँ। Thank you.
की प्रतीक्षा तो हम कब से कर रहे थे। अब ये खीर तैयार है। सबसे पहले ये खीर हमारा प्रिय मारुति खाएगा। वहां वैसा तो कुछ नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, किंतु सुखद समाचार तो ये है, गर्जना ने जो किया उससे सुग्रीव और तारा का बहुत अपमान हुआ। हो सकता है कि खीर में मधु मिलाने वाली ने ही विष मिला दिया। आपने हमारे राजकुमार मारुति की जान लेने की कोशिश की है, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु अब किसी और के मरने का समय आ गया है। विकर्जना, तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना होगा। यदि वो बालक नहीं मरा तो तुम जानती हो ना कि किसे मरना चाहिए। क्या बिगाड़ा है जो सभी उसके शत्रु बने हुए हैं? कभी कोई उसके प्राणों के पीछे पड़ा है तो कभी कोई। हे भोलेनाथ, प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लो, किंतु मेरे पुत्र को छोड़ दो। ये नन्ना सा बालक कब तक सह पाएगा ये सब? अंजना, अंजना शांत हो जाओ, हमारे मारुति को कुछ नहीं हुआ है, भगवान हमारे साथ हैं। अंजना, तुम्हारी तपस्या इसकी रक्षा कर रही है। अंजना, किंतु इस पर आक्रमण तो हो रहे हैं ना। और देखिए, जिसे मैं दुनिया में अपने सबसे निकट मानती थी, प्यार करती थी, उस तारा ने कैसे कर दिया ये सब। अब मैं किससे आशा करूं और किस पर विश्वास रखूं? सत्य क्या है? मेरी मौसी मेरा बुरा चाह ही नहीं सकती थी। आ,
बहुत शुभ मुहूर्त निकला है महाराज केसरी जी, हमारे नन्हे मारुति के अन्न प्राशन का। हाँ महाराज, महागुरु के गणना अनुसार कल का दिन छोड़कर परसों मंगलवार को बड़ा ही शुभ मुहूर्त निकला है अन्न प्राशन के लिए, और मारुति का जन्म भी तो मंगलवार को ही हुआ था। जामवंत जी, हमारे पुत्र मारुति का अन्न प्राशन वैसे ही धूमधाम से होना चाहिए। अवश्य पुत्र, अवश्य। भाभी शांत हो जाइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं जानता हूँ आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं। किंतु सुग्रीव भैया, सब तो यही समझ रहे हैं कि मारुति को विष हमने ही दिया, यहाँ तक कि हमारी सबसे प्रिय सखी अंजना भी हमें ही दोषी मान रही है। हम इन अपराधों के बोझ को लेकर कहाँ जाएंगे भैया? ऐसा मत सोचिए भाभी, अवश्य ही कहीं कोई गड़बड़ हुई है, शांत हो जाइए आप। किंतु भैया, उस गड़बड़ में तो मैं ही पिस गई, कहीं के नहीं रहे हो, कहीं के नहीं रहे हो। भाभी, संदेह के बादल छटते ही सत्य का सूरज चमक उठेगा, सच्चाई बहुत देर तक छिपी नहीं रहती। चलिए आइए, चलिए। कहाँ जाओ भैया, हमारा सूरज तो डूब चुका है, हम और जीना नहीं चाहते भैया, और जीना नहीं चाहते हो। भाभी रुक जाइए, भाभी रुक जाइए, भाभी भाभी मैं कहता हूँ रुक जाइए। रुक जाइए भाभी, ये ठीक नहीं है, मैं बाली भैया को क्या जवाब दूंगा। रुक जाइए भाभी, भाभी रुक जाइए। स्वामी से कहना मुझे क्षमा कर दे। उत्तम अति उत्तम, क्या योजना बनाई है तुम दोनों। रावण प्रसन्न हुआ, रावण को प्रसन्न किया तुमने कर्जना। धन्यवाद महाबली, आपकी प्रसन्नता ही हमारी सफलता है। प्रहास जैसा बुद्धिमान केवल और केवल लंकेश का ही मंत्री हो सकता है। अब देखना,
अंजन प्रदेश में कैसा हाहाकार मचता है। बाली अपनी पत्नी को खोकर पागल हो जाएगा और एक एक करके वानरों को समाप्त कर देगा और उसके पश्चात हम बाली को समाप्त कर देंगे। चारों तरफ बस एक ही राज होगा, रावण राज। दसों दिशाओं में एक ही नाम गूंजेगा, रावण। जी महाराज, हमने अपनी आंखों से महारानी तारा को आत्महत्या करते हुए देखा है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? जी महाराज, वो एक खाई में कूद गई। खाई इतनी गहरी थी कि उनका बचना संभव नहीं। तुम जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे विचार से तारा निर्दोष थी, वो तो किसी और की करनी उसके सर थोपी गई। किंतु ऐसा कौन कर सकता है? अभी ये सोचने का समय नहीं है कि ये किसने किया है। अभी सोचना है बाली के बारे में, कि जब उसे तारा की मृत्यु के बारे में समाचार मिलेगा तो वो बौखला उठेगा। के बाद जो विनाश की आंधी आएगी वो कहीं हम सबको तबाह ना कर दे। इसलिए हमें भी तैयार रहना होगा। हुआ बोलते क्यों नहीं? तारा कहाँ है? क्या हुआ तारा के साथ? बोलते क्यों नहीं? भाभी, भाभी, हमें छोड़कर चली गई भैया। नहीं, नहीं, नहीं सुग्रीव, नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तारा मुझे तारा छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। तारा, 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 Hey!
सकता। ये सब कैसे हुआ सुग्रीव? तेरे होते हुए मेरी तारा का अपमान हुआ और तू कायर वहां चुपचाप खड़ा देखता रहा। अरे उन सबको तूने वही समाप्त क्यों नहीं कर दिया? मेरी तारा का अपमान किया उन्होंने। उसे मरने के लिए विवश किया। कोई नहीं बचेगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। मेरी पत्नी के हत्यारों, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अंचन प्रदेश के प्राणियों का सर्वनाश कर दूंगा मैं। अंचन प्रदेश के प्राणियों का, अंचन प्रदेश।